जब से मैंने इंग्लिश सीखा तब से 10 वर्ष हो गए हैं। जब से मैंने शिमला गया तब से 5 साल हो गए हैं। जब से मैंने उसको देखा तब से 2 महीने हो गए हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं जब से तब से। तो आइए देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कंजंक्शन सिंस का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। यानी जब वर्ड सिंस का यूज आप एज ए कंजंक्शन करते हैं तो उसका मतलब होता है जब से तब से। कैसे? आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। जैसे अगर आपको कहना हो कि जब से मैं शिमला गया तब से 5 साल हो गए हैं, तो यहाँ आप अपने सेंटेंस में जब से और तब से देख सकते हैं। यहाँ वर्ड जब से के लिए आप लिखेंगे सिंस, और अगर हम बात तब से की करें तो उसके लिए आप कोई वर्ड नहीं लिखेंगे। और इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप तब से वाले पार्ट को सबसे पहले ट्रांसलेट करें, उसके बाद जब से वाले पार्ट को ट्रांसलेट करें। यानी आप सबसे पहले तब से 5 साल हो गए हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद जब से मैं शिमला गया हूँ का ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे तब से 5 साल गुजर गए हैं, 5 years have passed, यानी तब से 5 साल गुजर गए हैं। आगे लिखा हुआ जब से मैं शिमला गया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे since I went to शिमला, तो पूरी बात ऐसे होगी 5 years have passed since I went to शिमला, यानी जब से मैं शिमला गया 5 साल गुजर गए हैं। अगर आपको कहना हो कि जब से मैंने इस्तीफा दिया तब से 2 महीने गुजर गए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे 2 months have passed since I resigned, यानी जब से मैंने इस्तीफा दिया 2 महीने गुजर गए हैं। यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले मैंने तब से वाले हिस्से को ट्रांसलेट किया, उसके बाद जब से वाले हिस्से को बाद में ट्रांसलेट किया। वर्ड तब से के लिए मैंने कोई इंग्लिश नहीं लिखा, जबकि वर्ड जब से के लिए मैंने लिखा सिंस। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जब से मैंने इंग्लिश सीखा 15 साल गुजर गए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे 15 years have passed since I learned English, यानी जब से मैंने इंग्लिश सीखा 15 साल गुजर गए हैं। जब से मैंने उसको देखा तब से कुछ महीने गुजर गए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे some months have passed since I saw her, यानी जब से मैंने उसको देखा तब से कुछ महीने गुजर गए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब वर्ड सिंस का यूज आप एक कंजंक्शन के जैसे करेंगे तो इसका मतलब होता है जब से तब से। और इस तरह के सेंटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट जब से जुड़ा होता है और दूसरा पार्ट तब से। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप तब से वाले पार्ट को ट्रांसलेट करें, उसके बाद आप जब से वाले पार्ट को ट्रांसलेट करेंगे। वर्ड तब से की इंग्लिश कुछ नहीं होगी, जबकि वर्ड जब से के लिए आप लिखेंगे सिंस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।